फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी आपकी आदतें हैं जो आपके पीरियड्स को इरेगुलर कर सकती हैं। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। आज हम बात कर रहे हैं इरेगुलर पीरियड्स की। जो महिलाएँ होती हैं जिनके पीरियड्स जो हैं इरेगुलर होते हैं, वो उनके लिए मुसीबत का सबब बन जाते हैं। पीरियड्स देर से आना, कई कई महीनों में आना, जब आते हैं तो कई दिन लगातार आते हैं, उसमें क्लोट्स आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इरेगुलर पीरियड्स जब शुरू होते हैं किसी महिला के, तो वो बहुत सारी परेशानियां अपने साथ ले आते हैं। शरीर टूटा टूटा रहता है, थका हुआ रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं रखता। तो उस क्या रीज़न है, क्या ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनके कारण कि आपके जो है पीरियड्स जो इरेगुलर हो गए हैं, तो आज हम वही आदतें आपको बता रहे हैं। इसमें सबसे पहला है, अचानक से जब आपका वजन बढ़ता है, आप ध्यान नहीं देते कि आपका वजन या तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या बहुत ज़्यादा घट गया है। उसका रीजन है आपकी हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस नहीं है। जब आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं होते, तब उसमें जो है सबसे मेन होता है इरेगुलर पीरियड्स का होना। अगर आपके पीरियड रेगुलर हैं तो आपके हार्मोन्स भी बैलेंस हैं और आपका वजन भी जो है नियंत्रित रहेगा। तो आप सबसे पहले, जब भी आपका वजन अचानक बढ़े या अचानक घटे, तो आप सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि आपका वजन क्यों घट रहा है और क्यों बढ़ रहा है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान में देंगे तो जो पीरियड साइकिल है वो भी आपकी संतुलित रहेगी और टाइमिंग उसकी जो है बिल्कुल नियमित रहेगी। तो उस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। दूसरा जो आपका कारण है वो खान पान। जो खान पान है जिसमें आप अल्कोहल, कई महिलाएं जो हैं अल्कोहल लेती हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाती हैं, या उनके खाने की जो टाइमिंग है वो बहुत गलत है, बहुत लेट नाइट खाती हैं या मॉर्निंग में जो है नाश्ता नहीं लेती, तो वो भी एक रीज़न है कि उनका जो पीरियड साइकिल है वो रेगुलर नहीं होती। तो आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। अगला जो है वो गर्भ निरोधक गोलियाँ। बहुत सारे ऐसे केसेस जो होते हैं कि जो महिलाएं या कई बच्चियां आजकल जो है गर्भ निरोधक गोलियों का यूज़ करती हैं, तो उस वो जो है आपके हार्मोन्स के बैलेंस को बिगाड़ देता है पूरी तरह से। जब भी आप गोलियां लेती हैं गर्भ निरोधक, तो वो आपके जो शरीर के अंदर जाकर नुकसान देती हैं, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और जिससे आपका पूरा जो बैलेंस है हार्मोन्स का वो बिगड़ जाता है। वो भी एक रीज़न बनता है कि आजकल बच्चियों में ये शिकायत सबसे ज़्यादा देखी गई है, या जो महिलाएं हैं जिनमें भी इरेगुलर पीरियड की शिकायत है, उसका एक कारण जो है गर्भ निरोधक गोलियों को लेना भी है। तो आप कोशिश कीजिए कि गर्भ निरोधक गोलियां ना लें और उसके दूसरे जो है विकल्प ढूंढें। अगला आता है तनाव। अगर जो महिला तनाव में या बच्चियाँ जो हैं तनाव में बहुत ज़्यादा रहती हैं, उनकी पीरियड साइकिल भी अक्सर बिगड़ी हुई मिलती है, उनके पीरियड्स जो हैं इरेगुलर मिलते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि 5-5, 6-6 महीने जो है आप पीरियड्स नहीं होते, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत का विषय बन जाता है और जो आपके शरीर को अंदर से जो है परेशान करता है। तो जिन भी महिलाओं के, बच्चियों के तनाव ज़्यादा रहता है यानी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो उनका जो पीरियड साइकिल जो है पूरी तरह से जो है बिगड़ी हुई होती है। इसके अलावा जो आता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका डेली रूटीन कैसा है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। मॉर्निंग में जल्दी उठना, इवनिंग में अपना टाइम से सोना, और जो खान पान है उसको बैलेंस डाइट देना, खान पान में हेल्दी फूड ज़्यादा खाना। अब कई महिलाएं जंक फूड जो है बहुत ज़्यादा खाती हैं, उसके कारण भी जो है क्योंकि उसमें केमिकल्स जो बहुत ज़्यादा आते हैं वो आपके शरीर को पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं। तो ये भी एक इसका रीजन है। तो आज हमने आपको बताया कि कौन सी ऐसी आदतें हैं आपकी जिसके कारण जो है आपका बैलेंस जो है बिगड़ जाता है पीरियड साइकिल का, और जो आपके पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। तो अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं और ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं, तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिए कि आपको इन आदतों को बदलना है। तो सबसे पहले जो है आप अपना डेली रूटीन ठीक कीजिए। अपने डेली रूटीन में योगा, मेडिटेशन, अपने खान पान को बेहतरीन कीजिए। अगर आप किसी तनाव में हैं तो आप किसी से कंसल्ट भी कर सकते हैं तनाव के लिए, और
आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको चेंज करने की कोशिश कीजिए, तनाव से बचिए और जितना हो सके उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, तो आपको जो है बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इन सब चीज़ों का। और जिनके भी इरेगुलर पीरियड्स की शिकायत है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और जो है अपनी पीरियड साइकिल को रेगुलर कीजिए, क्योंकि ये आगे चल के आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाले हैं। तो आपको आज की जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और आप जो भी चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।